अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो हमने फॉरेस्ट्री के हवाले से एक सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है। तो हम जब यूट्यूब के अंदर जाते हैं तो हमें उर्दू लेक्चर नहीं मिलते हैं फॉरेस्ट्री के हवाले से। तो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है। तो फॉरेस्ट्री के जितने भी लेक्चर्स होंगे, स्टार से लेकर आखिर तक जितने भी स्पीशीज़ होंगे, मैं एक एक करके इन सबको डिस्क्राइब करूँगा, इन सब के बारे में लेक्चर्स बनाऊँगा। और वाइल्ड लाइफ के हवाले से वजीर इम्तियाज जहरन बनाएगा, आप लोगों को बताएगा इसके हवाले से। आज मेरा पहला लेक्चर है, पहला लेक्चर में है इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री होती क्या चीज़ है, मैं आज मेरी फर्स्ट क्लास है, इसके अंदर मैं इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा कि ये फॉरेस्ट्री है क्या चीज़। फॉरेस्ट्री इज़ द आर्ट ऑफ साइंस प्रोटेक्टिंग, कंजर्विंग एंड मैनेजिंग फॉरेस्ट, ट्री प्लांटेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज, दिस इज कॉल्ड फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री के अंदर ये एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर हम जंगलात की प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, इनकी कंजर्वेशन के बारे में पढ़ते हैं, मैनेजिंग के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, मैनेजिंग क्या चीज़ होता है? मैनेजमेंट कहते हैं, ये लफ्ज़ हम बार बार सुनते आ रहे हैं, फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये होता है क्या? जिसे मैनेजमेंट कहते हैं कि जब हम फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो जंगलात को बचाने के लिए जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं, जितने भी पॉलिसीज बनाए जाते हैं, लॉज बनाए जाते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं, एक्ट्स बनाए जाते हैं, जितनी भी प्लांटेशन की जाती है, इन सब को मिला के एक नाम देते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं, ट्रीज प्लांटेशन करते हैं। यहाँ पे अगर कोई डिग्रेडेड एरिया है, इसके अंदर से फॉरेस्ट जंगलात जो है वो ख़त्म हो चुके हैं किसी कुदरती वजह से या आर्थोपोजेटिक एक्टिव ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, तो वहाँ पे हम प्लांटेशन करते हैं। और प्लांटेशन का दूसरा फ़ायदा जो है वो एक फॉरेस्ट्री के अंदर हम एक फॉरेस्ट्री की एक ब्रांच कम्युनिटी फॉरेस्ट्री कहते हैं, जिसके अंदर हम फॉरेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं इन आर्डर टू फुलफिल द नीड्स ऑफ कम्युनिटीज। लोगों के जो है ना नीड्स, ज़रूरत होते हैं वो वहाँ से फुलफिल होते हैं। दूसरा, फॉरेस्ट रिसोर्सेज मैनेजमेंट। फॉरेस्ट हमारे पास बहुत से फॉरेस्ट हैं, इनके रिसोर्सेज से इनको कैसे मैनेज करना है, इन मैनेज के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से पढ़ते हैं। सोयल मैनेजमेंट, फिर सोयल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ट्रीज जो होते हैं वो ज़मीन में उगते हैं। जब तक हम ज़मीन को मैनेज नहीं करेंगे, वहाँ पे हम एक जो है ना प्रोडक्टिव ट्री को हम ग्रो नहीं कर सकते हैं। इसलिए सोयल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ये सारे कुछ किसके अंदर आ जाते हैं? फॉरेस्ट्री के अंदर आ जाते हैं। हम इन सब के बारे में पढ़ने को क्या कहते हैं? फॉरेस्ट्री कहते हैं। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो अगर आप मेरा जो लेक्चर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, लाइक करें। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और सब्सक्राइब भी करें साथ साथ, क्योंकि आपकी सब्सक्राइब से आपके जो फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, इससे हमारा हौसला बढ़ जाता है। ठीक है, हम मज़ीद इंशाल्लाह मज़ीद और इसके हवाले से वीडियोज़ लेके आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़।